हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई एक और नया वीडियो लेके, जो है कुकिंग वीडियो। इसमें मैं आपको एकदम कुरकुरी करारी, एकदम ठेले वाली टिक्की बताऊंगी, कैसे बनती है एकदम कुरकुरी टिक्की। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आप अगर टिक्की बनाएंगे तो आपको आपकी टिक्की बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको मैं पील ऑफ कर लूँगी। और ये मैंने 4 प्याज ले लिए हैं बिग साइज़ के, और मैंने ये बॉयल्ड आलू को पील ऑफ कर लिया है। ये मैंने आलू को पील ऑफ कर लिया है। अब मैं इसको गिलास की मदद से फोड़ूंगी। आप चाहें तो इसे ग्रेटेड भी कर सकते हैं, कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब मैं इसको महीन महीन फोड़ लूँगी, फिर जो बाद में बाकी बचेगा उनको मैं हाथ से फोड़ लूँगी। थोड़ी बहुत गुठलियाँ बचेंगी, बिल्कुल महीन, एकदम महीन फोड़ना है इन आलुओं को, एक भी गुठली ना रह जाए। इस तरीके से फोड़ूंगी ताकि एक भी गुठली ना रह जाए। इसमें मैंने लगभग 1.5 बड़े चम्मच मैंने अरारोट डाला है 1 किलो आलू में। ये एकदम फाइन भरता बन गया है आलू का। मैं इसको लगभग 10-15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं ये प्याज छील लेती हूँ। मैंने 4 बिग साइज के प्याज लिए थे, इनको पील ऑफ कर लेती हूँ। अब मैं इनको बारीक बारीक काट लूंगी। ये मैंने प्याज को चॉप्ड कर लिया है बारीक एकदम, और मैंने ये धनिया चॉप्ड ले लिया है, हरी धनिया को चॉप्ड कर लिया है। अब मैं इन आलू के भरते से गोल गोल टिक्की बनाऊंगी। मैं इस साइज़ की टिक्की बना रही हूँ। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारी टिक्की बना के रख लूँगी। आप इस तरीके से टिक्की ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम ठेले जैसे एकदम कुरकुरी टिक्की बनती है। और घर पर बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी टिक्की कैसी बनी है। मैंने आलू को एकदम महीन कर लिया है, एक भी गुठली नहीं है इसमें। आप भी पूरी कोशिश करिएगा कि आपके आलू के भरते में एक भी गुठली ना रह जाए, तभी आपकी टिक्की एकदम ठेले जैसी बनेगी, एकदम कुरकुरी। और इसको गोल गोल करके ज़्यादा प्रेस ना करिएगा, हल्का सा प्रेस करिएगा, क्योंकि पहले हम इसको कढ़ाई में कुरकुरा करेंगे, फिर बाद में तवे पे करेंगे। ये हमारी सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अभी मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं सारी टिक्कियाँ डाल देती हूँ जितनी आ जाएंगी इसमें, इस तरीके से। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी इनको हाई फ्लेम पे आप सेकिएगा। अब इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूँगी। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी पलटिएगा, उससे पहले ना पलटिएगा, वरना आपकी टिक्की कढ़ाई में नीचे चिपक जाएगी और फिर आपकी टिक्की ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं। दो से 3 मिनट लगते हैं इनको गोल्डन ब्राउन होने में।
इस तरीके से सीख गई हैं, इनको मैंने पलट दिया है ताकि पिछली तरफ से भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जो टिक्की सीख गई थी उनको मैंने निकाल लिया, जो बाकी टिक्की बची हैं उनको डाल दिया है। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी और जब ये हल्की हल्की मतलब गोल्डन ब्राउन हो गई है फिर इनको तवे पे फिर से कुरकुरा करूँगी ताकि और क्रिस्पी बन जाए ये इस तरीके से। इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगाना है, जो उसमें कढ़ाई में से सेक के निकाला है तेल उसी में तेल लगा हुआ है उसी से ही सेकना है, एक्स्ट्रा तेल नहीं लगाना है आपको कोई भी। अब मैं इनको कुरकुरा होने तक सेकूँ। तैयार है हमारी आलू की टिक्की। मैंने इस पर मीठी चटनी डाली है, दही डाला है, चॉप्ड अनियन डाला है, धनिया डाला है चॉप्ड, और दही बड़ा मसाला डाला है। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलेगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सके। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।